Hey guys, what's up? तो आप सोच रहे हो कि मैंने गाड़ी से ब्लॉग को स्टार्ट करा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, क्योंकि हम जा रहे हैं जट प्रभजोत से मिलने और एरी भी जा रहे हैं। ये रहा एरी, एरी हेलो। अरे गाइस अपना अलग ही मस्ती में ये खारा बेल्ट। गाइस मैं, भाई और लव्या और एरी, हम चारों जा रहे हैं। ये लव्या एक्साइटेड है? वेरी। तो भाई जैसे हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है। लव्या पेन और कॉपी लेके आई है, जिसमें जट प्रभजोत का लव्या लेगी ऑटोग्राफ। लव्या यस। और आपकी लव्या की भी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी थोड़ी सी बस खांसी है। हेलो जीजी, कल जीजी जीजी कल जीजी स्कैम 2022। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बंगला साइड, लेकिन हमको जाना है रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा। और एरी क्या कर रहा है तू? ये देखो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। अब देखते हैं जट प्रभजोत पाजी मिलेगा कि नहीं हमको। मिल जावांगे। हम पहुंच चुके हैं रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा। और यहाँ की लाइटिंग देखो गाइस कितनी अच्छी हो रही है, और बदल रही है बार बार। लव्या आगे चल रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही खराब है ना। और यारी भाई के साथ है क्योंकि हम इसकी लीश लाना भूल गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, देखते हैं यारी को ले जाने देंगे कि नहीं अंदर। भाई ले जाने देंगे अंदर? नहीं भाई, तो हमने चप्पलें इधर ही उतार दिया गाड़ी में। और भाई और लव्या उधर खड़े हैं, भाई जाएगा नहीं, एरी को देखेगा, बाकी लव्या और मैं अंदर रहेंगे। और वैसे बहुत ही सुंदर बना हुआ है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। गाइस तो अभी चलते हैं ऊपर, सबसे पहले आप पानी से पैर धोएंगे। ऊपर गाइस अभी हमने ऊपर लव्या और मैंने रुमाल बांध लिया, क्योंकि अंदर जाने से पहले रुमाल बांधना होता है, जो भी होता है। चलो भाई नीचे वेट कर रहा है एरी के साथ। तो गाइस अभी हमको कड़ा प्रसाद मिल गया है, और भाई का ही कड़ा प्रसाद, ये हलवा होता है। और भाई का ही फोन आ गया है कि जट पर, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, जल्दी चलो। और तो फुल एक्साइटमेंट हो गया। ये देखो हमसे कौन मिल रहा है, ओके हेलो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे भाई लोग मिलने आए हैं। तो गाइस अभी हम जट प्रभजोत से मिलने की खुशी में इतने जल्दी जल्दी आए लव्या इधर, कि हमें ऊपर जो ये रुमाल होता है वही उतारना भूल गया। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, ये उतार के आएंगे। तो गाइस पाजी आ रहे हैं। हाँ कैसे लग रहे तो गाइस यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, और भाई ने हमारी फोटोज खींच दी है, और आई फुल डरा पड़ा। ये सबको हमारे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी फोटो सारी, और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। फोटो खिंचवा ली लव्या? तो गाइस अभी मैं आया हूँ गाड़ी में कॉपी लेने के लिए और पेन लेने के लिए, कि लव्या इधर ही भूल गई थी। और लव्या कुछ ये पाजी का ऑटोग्राफ, तो गाइस लव्या जा रही है ऑटोग्राफ लेने के लिए। अरे क्या करोगे ऑटोग्राफ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव्या। लव्या एल ए वाई ए वाई स्पेशल गिफ्ट।
ये पीछे खड़ा है। अरे आगे तो भी पीछे है। तुम्हारी नंबर प्लेट लगा दी हमने। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? यहाँ कैसे आए? अरे नहीं नहीं मतलब ये है पाजी कैरावैन जो कि फुल ब्लैक है, दिख नहीं रही होगी। और अभी पाजी जा रहे हैं। चलो पापा को हेलो बोलना। को यार इसको लेके जाना है। मिनी को ये साथ में दोनों है? ये दोनों साथ में किसको मैंने बोला मेरे को दे दो, ये दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं इसके साथ ये दोनों फ्री। ज्यादा बंद नहीं चाहिए हमें, खाली ये दे दो भाई। ये भी ठीक है, मुझे टच तो करने दे रहे, कोको तो हाथ लगा दे। बेटा उसको पता ना तेरी असलियत, इसको पता नहीं हाथ लगाना दे रहा है। चलो सबको बाय बाय। बाय बाय। ओके जी बाय। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कल। श्योर श्योर आईडी तो लेके अच्छा। आत्मा आ गई कोको की? है री झटपट जो आत्मे लिए एकदम से कोको की आत्मा आ गई। तो ये पाजी जा चुके हैं और लव्या और मैं गाड़ी में बैठ गए और लव्या की चेहरे से खुशी नहीं उतर रही। क्या ही बताऊं, मतलब कि वो भाई मेरा वाह हो गया। वो मैं तो बोलने वाली थी कि वो बोला एक बार डायलॉग बोल दो छोटो को हेलो वाला। घर और गाइस ये देखो सबसे पहली बार हम मिल रहे हैं जटप्रभ जोत से और सबसे पहली बार व्लॉग में आके आप उनका व्लॉग देखोगे आपको दिख जाएंगे हम दोनों और उन्होंने एरी के साथ भी वीडियो बनाई है। तुम दोनों ही दिखोगे, मैं खाऊं? हाँ मतलब तू भी दिखेगा, एरी का है, एरी भी दिखेगा, सारे ही दिखेगा, सारे दिख जाएंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है। लव्या वो फोटोग्राफ लेके आई है। हाँ देखो गाइस लव्या का ऑटोग्राफ। मेरा ऑटोग्राफ? जी ऑटोग्राफ दिया है लव्या को क्योंकि लव्या कॉपी पेन लेके आई थी और लव्या ने लिया ऑटोग्राफ। यार इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है। गाना तो गा कर दिखा, अभी जो गा रही थी पाली जीत क्या था ना। सुना दे तो यार ये सो चुका है और अभी हम घर में पहुंचने वाले 5 मिनट में। तो लव्या की तो खुशी ही नहीं रुकी, मतलब क्या ही बताऊं। ऑटोग्राफ मिल चुका है, फोटोज भी हो चुके हैं, दर्शन भी हो चुके हैं गुरुद्वारे के। पागल हो चुकी, पागल लव्या तो पागल हो गई है। हाँ लव्या कह रही है एक बारी गुलजार शानी वाले से मिलवा दो, मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे भाई बोल दो, मेरा मोस्ट 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 फेवरेट यूट्यूबर है और सौरभ से मिलवा दो बस। बस फिर उसके बाद कोई और नया पैदा हो जाएगा। कोई और नया पैदा हो जाएगा उसके बाद दादी के मौज। हाँ आप जट प्रोज से मिल गई है, फिर उसके बाद दूसरा गुलजार शानी वाला, एक से और, फिर सौरभ जोशी, फिर कोई और, फिर कोई और। खड़ी उन्हें ब्रेक मारी है और क्या। एरी देख कुछ नहीं कर रहा ड्रामा, क्या ड्रामा कर रही है, गिरा वो पूरा अंदर घुस गया था, अंदर घुस गया, इसकी तो वीडियो बनाई है इसने। अरे मेरे तो इतने जोर की लगी है यहाँ पर, पूरी टांग पे ये घुस गया मेरी। सो जा सो जा सो जा सो जा अरे हम पहुंच चुके अपने घर पे और भाई लगा रहा है गाड़ी और एरी और लव्या पीछे बैठे और लव्या एक्टिंग कर रही है सोने की। वो देख रहा है कि जा रहा है अकेले अकेले। और लव्या को आने लव्या पकड़ ले इसको, आओ चले आओ आओ।
चलो। हाँ कह रहा है मेरे को तेरे छोड़ के जा रहे हो कर लेगी क्यों आज इससे चेक पर जो पास ही छोड़ देते मेरे को वो मांग रहा था। चलो चलो इधर चले वो कहता इसको तो लेके जाना पड़ेगा एरी को। अच्छा मैंने कहा एरी जाएगा तो दो साथ साथ जाएगी नहीं नहीं फिर महंगा पड़ जाएगा। लव्या जट प्रभजोत से मिल गया हम ब्लॉग में आ गए ब्लॉग में एरी के साथ आए हमारे भाई बड़ी खुशी बुआ की खुशी बुआ की खुशी हाथ इधर हो जाएगा वाओ मटो लेके आई है ऑटोग्राफ जट प्रभजोत वाओ भाई वाओ ओ भाई मेरे वाओ क्या भाई मेरे वाओ देख देख वाओ भाई मेरे वाओ भाई अरे कहां अरे तो नहीं दिख रहा एरी एरी लेने अच्छा इधर सारे फोटो खींच के आए हो अच्छा उठा लिया उसको और क्या वो कर दे मैं लेके जाऊंगा इसको। अच्छा कह रहा मैं इसको अपनी गाड़ी में डालूं गाड़ी में वैसी बहुत जगह है। अच्छा मैंने कहा ये जाएगा तो साथ में दो और जाएंगे कहता ना भाई बड़ा जगह पड़ जाएगा। तो अभी हमको घर आते लग गई थी बहुत जोर की भूख तो हमने मम्मी को बोल दिया था कुछ बना के लेके आए तो मम्मी बाहर गई हुई है। वैसे मम्मी ने सब कुछ समेट दिया था तो मम्मी हमको प्याज टमाटर के साथ परौंठी देगी तो मम्मी भी लाएगी थोड़ी देर में और भूख बढ़ती जा रही है जल्दी जल्दी। तो मम्मी ले आई है परौंठी के साथ प्याज टमाटर। तो इसी बात आज के ब्लॉग को एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।